पिछले दो दिनों में अहमदाबाद और दिल्ली में हमें भारत और चीन के संबंधों में हर विषय पर बातचीत करने का मौका मिला, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे, आर्थिक संबंध और लोगों के बीच के संपर्क। हमने तय किया है कि अपने आदान प्रदान को हर स्तर पर बढ़ाएंगे, शिखर सम्मेलन का सिलसिला बनाए रखेंगे। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। साथ ही साथ मैंने भारत में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। नई पॉलिसीज एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बारे में उन्हें अवगत कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज भारत में दो चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में $20 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। रेलवे के क्षेत्र में हमने आज सहयोग के कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यह हमारे एनर्जी कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। रीजनल कनेक्टिविटी और इसके संदर्भ में BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। भारत एशिया के चौराहे पर है। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना जरूरी भी है। Speculations are rife that the dashing dynamo of Indian cricket Yuvraj Singh is all set to join the Saffron Brigade sooner than later.